कि कुंवारी लड़कियों में भी क्या होता है, ये स्तन से पानी उनी आना स्टार्ट होता है। इसका रीजन क्या था? इसका दो रीजन है कि उसका दाब उबकर मतलब बहुत ज्यादा दबाव सेक्सुअल रिलेशन क्या होता है आजकल बनी रहा है, बहुत सिंपल से एक कॉमन बात हो गया है। सेक्सुअल रिलेशन के दौरान स्तन को क्या करी जाती है, दाबी जाती है, उसको मिसी जाती है, जिसके कारण से क्या होता है उससे पानी उनी आना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह के छेड़खानी से बचनी चाहिए स्त्रियों को। और दूसरा क्या होता है, टाइट कपड़े नहीं पहननी चाहिए, स्तन को पूरा टाइट से नहीं बांध कर रखनी चाहिए। कई लड़की अभी भी क्या करती है, ब्लाउज का यूज करते हैं, टाइट बांध कर रखती है। अरे बकलोलिया कहीं के समस्या तुम्हें लिए हो जाएगा, बाद में बच्चा जब पैदा होगा ना तो उसमें दूध प्रोलैक्टिन हार्मोन कम हो जाएगा तो दूध नहीं बनेगा। चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर छाती का दूध कैसे बनता है। जो औरतें होती है, जो लड़कियां होती हैं, उनमें स्तन का दूध कैसे बनता है जब गर्भवती महिला का बच्चा पैदा होता है, मतलब जब पेट से बच्चे निकलते हैं तो ठीक उसके बाद दूध कैसे निकलना स्टार्ट हो जाता है, इस मतलब इस वीडियो में इस बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहली बात आप ये तो जानते हैं, आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बता दी गई है, उसमें सारी बातें बता दी है, कैसे बच्चे का निर्माण होता है, कब जुड़वा बच्चे बनते हैं, कब क्या होता है, ये सारी बात आपको बेटर से मालूम है, ठीक है ना। इतनी बात आप समझिए कि पहले तो ओवरी से क्या निकलता है, ओवरी ये वाला ओवरी होता है, ठीक है ना, ये आपका फेलोपियन ट्यूब है। यहां से क्या होता है, जब योनि में लड़की की योनि में लड़के का जब स्पर्म प्रवेश करता है तो यहीं पर ये जो अंडाणु जो ओवरी ओवम होता है, इससे स्पर्म रिएक्शंस करके जायगोट का निर्माण करते हैं, बच्चे का निर्माण करते हैं। अब बच्चा कहां पलना स्टार्ट होता है आपको मालूम है, बच्चा आपका यहां पर बनना स्टार्ट होता है, ठीक है, मतलब यूटेरस में, गर्भाशय में बच्चा क्या होता है अपना अपना स्टार्ट होता है, यहां पर यहीं पर बच्चा बनता है। तो ओवरी से तीन तरह के क्या होते हैं हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और रिलैक्सिन हार्मोन, ये निकलते हैं, ये पहले भी जानते हैं। जिसमें एस्ट्रोजन हार्मोन का काम होता है कि जो एमसी लड़कियों से निकलती है उसको निकलने में सहायता करना, और स्तन जो होता है, जो छाती होता है, उसको बड़ा होने में हेल्प करना। तो आज हम लोग बात करेंगे स्तन, स्तन स्तन का मतलब छाती, ये जब बड़ा होती है तो इससे दूध इसमें दूध कैसे बनता है, गर्भवती बच्चे को जन्म देने के बाद मतलब दूध कैसे निकलता है। कई लड़कियों में जो कुंवारी होती है उनको भी देखी जाती है, उनके स्तन से क्या होता है दूध निकलना स्टार्ट होता है। तो आखिर दूध बनता कैसे है, कैसे इस सब बीमारियों से हम बच सकते हैं, इस पर फोकस करेंगे। तो वीडियो को थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है ना, ये सिर्फ शिक्षा के उद्देश्य से वीडियो बनाई जा रही है ताकि आप समझे और सीखे। तो इतना तो आपको मालूम है कि हाई जोन इसमें तीन तरह का हार्मोन पाया जाता है, जिसमें से क्या होता है उत्पन्न होता है ओवरी से कौन सा, एस्ट्रोजन हार्मोन। इसका दो काम होता है, एमसी को बाहर निकलने में मदद करना, और दूसरा होता है स्तन छाती को बड़ा होने में मदद करना। किसका, तो एस्ट्रोजन हार्मोन का, और यही स्तन हम लोग जानेंगे। आप प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तो आप जानते हैं कि बच्चे को सुरक्षा प्रदान करता है, और रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, बच्चे को घुमाने में हेल्प करता है। तो इस पर मैं ऑलरेडी सब वीडियो बना चुका हूं, आपको बता चुका हूं। हम लोग बात करेंगे कि आखिर छाती जो होता है ना, तो इस स्तन को बड़ा करने में कौन मदद करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। जो औरतें होती है, मान लेते हम लोग यहां पर सिंपल सा पिक्चर लेकर चलते हैं, ठीक है ना, औरत का, ठीक है ना, तो ये हम लोग छाती लेकर चलते हैं, अगर ये हम लोग छाती अगर लेकर चलते हैं, ठीक है ना, ये वीडियो सिर्फ समझाने के उद्देश्य से बनाई जा रही है ताकि शिक्षा के उद्देश्य से, ठीक है ना। ये कोई स्त्रिया है मानकर चलिए, इनका ये स्तन क्या होगा, धीरे धीरे क्या होता है स्तन बड़ा होने लगता है। वो लड़की में स्तन क्या होता है, मतलब जब किशोरावस्था पार करती है ना लड़कियां, उस समय उनका स्तन क्या होता है बड़ा होने लगता है, मतलब सब में सर्वांगीण विकास होने लगता है, स्तन में इन सभी में विकास होने लगता है। जब लड़कियां किशोरावस्था पार करती है तो उस समय क्या होता है उनके सब में मतलब उनके स्तन से लेकर सब चीज में क्या होता है विकास होना स्टार्ट होता है। उनके भी आवाज में क्या होता है भारीपन आना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद बाल उल ये सब जमना स्टार्ट हो जाता है, मुंह पर फुफुंदी उपुंदी ये सब आना स्टार्ट होता है, एमसी किशोरावस्था के बाद ही आना स्टार्ट होता है। ये सारी बातें तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो किशोरावस्था पार करने के बाद क्या होता है स्तन में फैलाव आने लगता है, स्तन चिकनापन उसमें आने लगता है, किसमें, गर्ल्स में, ये पुरुष में भी होता है ये क्रिया, ठीक है ना। लेकिन पुरुष में ये जो हार्मोन होता है एस्ट्रोजन ये नहीं पाई जाती है, जिसके कारण से स्तन बड़ा नहीं होता, सिंपल सा ही रह जाता है। तो स्त्रियों की बात करते हैं, जो स्तन होती है वो गर्भवती मतलब बच्चे जन्म देने के बाद उससे दूध कैसे बनने लगते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो आप जान गए कि एस्ट्रोजन हार्मोन ही क्या करता है, स्तन को छाती को बड़ा होने में मदद करता है लड़कियों में, कौन सा, एस्ट्रोजन हार्मोन, ये ओवरी से उत्पन्न होता है। अब देखिए, अब मान लो कि कोई बच्चा जन्म ले लिया, ठीक है, कोई बच्चा क्या कर रहा है, मतलब मान लो कोई गर्भवती महिला है, बच्चा जन्म ले लिया, अब बच्चा जन्म दे दी, मतलब बच्चा जन्म देने के बाद देखना ये है, देखिए जाती है कि उनके छाती से क्या होता है दूध बनना स्टार्ट हो जाता है, उसके पीछे मतलब नाक के बराबर दूध बनता है। कुंवारी में दूध बनने का क्रिया उतना नहीं होता है, कभी काली हो जाता है, वो कैसे होता है अभी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो इसमें क्या होता है कि देखो ये मान लो कि स्तन है, ठीक है ना, ये स्त्रियों का क्या स्तन है। अब इस स्तन में क्या होता है गुच्छे गुच्छे टाइप की संरचना इसमें पाई जाती है, क्या पाई जाती है, गुच्छे गुच्छे टाइप की इसमें संरचना
पाई जाती है। अब इस गुच्छे गुच्छे टाइप से ही क्या होता है कि दूध बनने का काम होता है। होता क्या है कि जब बच्चे जन्म लेता है, जब बच्चे क्या होते हैं जन्म लेते हैं, तो दिमाग को संवेदना पहुंच जाती है, दिमाग को संवेदना पहुंचती है कि दूध की आवश्यकता हो चुकी है। उस समय क्या होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन उत्पन्न होता है। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ना दूध बनाने की क्रिया को उत्तेजित करता है, और दूध बनाने की क्रिया को उत्तेजित करता है तो ये ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है ये इसी थैली के सारे यहाँ पर निपिल तक क्या करता है, निपिल तक दूध पहुंचाने का काम करता है। ध्यान दीजिए इस वाले भाग को जो अंतिम होता है सिरा, इसको क्या कहते हैं निपिल कहते हैं, ठीक है ना। इसी के सारे बच्चे क्या करते हैं दूध पीने का काम करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। ये सब हम लोग के घर में भाई माँ बहन ये सब है, तो क्या ना कि जानना जरूरी है ये सब चीज़ें। क्यों इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि कई तरह के एग्जाम में ये सब क्वेश्चन करता है बुआ। तो यहाँ जो ये जो आपका स्तन होता है स्त्री का, इसमें गुच्छे गुच्छे टाइप की क्या होती है संरचनाएँ पाई जाती है, गुच्छे गुच्छे टाइप की, ठीक है ना। अब गुच्छे गुच्छे टाइप की संरचना पाई जाती है, इसी के अंदर एक हार्मोन उत्पन्न होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्या कहते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसका काम होता है कि दूध को उत्तेजित करेगा, दूध बनाने का काम स्टार्ट कराएगा प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये दिमाग को संवेदना पहुंचा देगा, कहेगा दूध नहीं है दूध बनाइए। अगर बच्चे जन्म ले लिए हैं, बच्चे जन्म लेने के बाद दूध कई स्त्री में बनता ही नहीं है, तो इसी हार्मोन की कमी होता है जिसके कारण से दूध नहीं बनता है, मतलब ठीक है ना। तो बात को समझिएगा ध्यान से। तो क्या होता है ये जो गुच्छा होता है, ये गुच्छा प्रोलैक्टिन हार्मोन को क्या करता है उत्पन्न करता है। ये जो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है ये क्या करेगा दूध बनाने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। जब दूध बन जाता है तो ये ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है इस थैली के सारे निपिल तक, ये जो अंतिम से निपिल तक दूध लाने का काम करता है, और यहाँ से दूध अपने आप बहना स्टार्ट हो जाता है। या कोई गर्भवती महिला अगर अपने बेटे के बारे में सोच लेती है तो दूध क्या होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन संदेश पहुंचा जाता है दिमाग के पास कि दूध को उत्तेजित कर जाए, तो दूध अपने आप बनकर बाहर निकलने लगता है। तो गर्भवती महिला में ये सब देखी जाती है, ठीक है ना। तो दूध कैसे बनता है बुआ, समझ में आ रही, समझे एक बार और ध्यान से देखो। जो स्तन होता है जो स्तन होता है जो छाती होती है स्त्रियों का, उसमें क्या होता है थैली थैली जैसी ऐसी रचनाएं पाई जाती है, ठीक ना। ऐसी क्या होती है रचनाएं पाई जाती है। ये रचना क्या करता है, ये रचना जो है ना प्रोलैक्टिन हार्मोन को उत्तेजित करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन दूध बनाने की क्रिया को उत्तेजित करता है। जब दूध बन जाता है प्रोलैक्टिन हार्मोन जब दूध बना देता है तब ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है इस थैलियों के सहारे दूध को यहाँ निपिल तक लाता है। अंतिम सिरा को बोलेंगे निपिल, निपिल तक लाने का काम करता है। जब निपिल तक दूध बहने लगता है तो बच्चा जो होता है ना वो क्या करता है दूध पीने लगता है। और देखिए छोटे बच्चे के लिए माँ का दूध अमृत के समान होता है, इसी कारण से कम बच्चे को लगातार साल भर या 6 महीने माँ का दूध पीनी चाहिए ताकि बच्चा तंदुरुस्त रहे। हम लोग भी अपनी माँ का ही दूध पिए, कहता नहीं सब फिल्मों में माँ का दूध पिया तो आकर लड़ ले। तो माँ का जो दूध होता है ना एक अमृत के समान होता है बुआ, वो अमृत से किसी से कम नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, तो समझ में आ रही है। तो क्या होता है जो थैली पाया जाता है, थैली किस कौन सा हार्मोन को उत्तेजित करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन को उत्तेजित करता है। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन दूध बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट कर देता है, और जो दूध बनता है उसमें 95% पानी होता है। तो बच्चे को पानी पिलाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो 95% पानी होता है लेकिन फिर भी वो अमृत का काम करता है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन दूध बना देता है लेकिन दूध को निपिल तक पहुँचाने का काम किसका होता है ऑक्सीटोसिन का होता है। ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है निपिल तक दूध पहुँचाता है, तब बच्चा क्या करता है दूध पी लेता है। अब कई स्थितियों में ये देखी जाती है कि कोई क्या होता है कि कोई कोई लड़कियां सूखल होती है, सब आंटी होती है, सब देह में जाने नहीं होता है, उसमें अस्तन जो होता है ना बड़ी छोटा सा होता है, कुछ कुछ में क्या होता है अस्तन बहुत बड़ा बड़ा होता है। तो सोच में ये पड़ जाती है सब कि दूध हम में कम बनेगा उसमें दूध बहुत ज्यादा बनेगा, वो सब बकलोल होती है सब। देखो बुआ कहने को अस्तन छोटा हो चाहे बड़ा उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इफेक्ट इस बात से पड़ता है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन आप में कितना बन रहा है। ये जितना प्रोलैक्टिन हार्मोन ज्यादा बनेगा उतना ही आपके अस्तन से दूध निकलने की क्रिया ज्यादा होगी, क्योंकि दूध बनाने का काम ये अस्तन का नहीं, दूध बनाने का काम किसका होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन का होता है। ये दूध बनाने का काम करता है, दूध को उत्तेजित करता है। जब दूध बन जाएगा तो उसको ऑक्सीटोसिन इन थैलियों के सारे निपिल तक लाने का काम करता है। जब निपिल तक आता है तो बच्चा दूध पीने लगता है। अब देखिए क्या होता है कि कई बार क्या होता है ना कि मतलब ये तो गर्भवती की बात बता रहा हूँ कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तब, उससे पहले जब कुंवारी लड़कियां होती है तो उनके भी क्या होता है निपिल से दूध बाहर आने लगते हैं स्तन से। इसका रीजन जानते हैं क्या होता है, इसका रीजन दो चार हो सकते हैं। पहला रीजन क्या है कि छेड़खाड़, मतलब स्तन को दाबना उबना होता नहीं कि जब सेक्सुअल रिलेशन बनते हैं लड़का लड़की का, तो उस समय इसका बहुत मतलब शोषण करी जाते हैं दाबी जाती है। तो इस ये रीजन भी हो सकता है कि सेक्सुअल रिलेशन के समय इसका छेड़छाड़ करना, ठीक है ना। और दूसरा हो सकता है टाइट उट कपड़ा पहनने से क्या होता है जो निपिल होता है ये छीला जाता है, ये छीला जाएगा तो अपने आप क्या होता है
पानी उनी आना स्टार्ट हो जाता है, क्या होता है पानी उनी आना स्टार्ट हो जाता है, दुनिया का पानी उनी हल्का हल्का क्या होता है आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब गलती हालांकि नहीं करनी चाहिए लड़कियों को, तो सजा किसको भुगतनी पड़ेगी, उसी को ना भुगतनी पड़ेगी, नहीं समझदारी होगा तो जान लो, अगर नहीं जानते हो तो बढ़िया से जान लो लोग, ताकि काम है। तो समझ में आ रही है, तो क्या किन कंडीशन में कुंवारी अवस्था में ही क्या होती है पानी आने लगती है, कब, जब सेक्सुअल रिलेशन के दौरान इसको जब दाबी हुई जाती है या इसको इसको इसकी सिरखानी बहुत ज्यादा कर दी जाती है, तब इससे पानी उनी आना स्टार्ट हो जाता है। और दूसरी बात की जब टाइट उट कपड़ा पानी जाते हैं तो निपल उपल क्या होता है छिला जाता है, जिसके कारण से पानी उनी आना स्टार्ट होता है। तो इन बातों से कुंवारी लड़की क्या रहेंगे, बचकर रहेंगे, थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो दिक्कत आप ही लोगों को होगा। उसके बाद देखी जाए, अब क्या होता है कि जब मान लो कि पेट में बच्चा हो गया, पेट में बच्चा होने के बाद 4 से 5 महीने के बाद जो होता है ना, स्तन आपका दुगुना मतलब होना स्टार्ट हो जाता है। मान लो कि कुंवारे थे तो अभी स्तन इतना छोटा है, अब शादी हो गया, पेट में आपका बच्चा पल रहा है 4-5 महीने का हो गया, तो आपका स्तन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। स्तन क्या होगा, जो छाती होता है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, उसमें दूध बनना स्टार्ट हो जाएगा उसी समय से आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन उत्पन्न होगा, वो दूध बनाने का काम अपना धीरे धीरे स्टार्ट करेगा। जब बच्चा जन्म लेगा तो उसके ठीक 2-3 महीने बाद क्या होता है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन बच्चे को जन्म देने का, प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, दूध बनाने का काम करता है। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, स्त्रियों का जो स्तन होता है वो बड़ा होते जाता है, छाती क्या होता है फूलते जाता है, मतलब प्रोलैक्टिन हार्मोन उसमें बनते जाता है। तो याद रखिएगा, स्तन छोटा हो चाहे बड़ा हो इससे कोई मायने नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात पर पड़ता है कितना प्रोलैक्टिन हार्मोन बनता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जितना बनेगा उतना ही दूध बनने का काम करता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे इसमें बताया नहीं गया था कि रिलैक्सिन हार्मोन जब बनेगा तो ये बच्चा घुमाने का काम करता है, ठीक है ना। जितना स्त्रियां काम धाम करते उतने ज्यादा रिलैक्सिन हार्मोन बनता है, ये रिलैक्सिन हार्मोन बच्चे जन्म देने के समय काम करते हैं कि इसको क्या करेंगे, बच्चे को घुमाकर सीधा कर देते हैं ताकि बच्चा आसानी से चले आते हैं। लेकिन जिनमें रिलैक्सिन हार्मोन कम बनता है ना, उन स्त्रियों में क्या होती है, उन स्त्रियों में ये बच्चा आकर ही अटक जाता है, ठीक है ना। आज इसके कारण से सब कमर का क्या होता है फैला हो जाता है, इस पर तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना भी चुका हूं आपको, ठीक है। तो ये बातें समझ में गई, दूध कैसे बनता है, मतलब स्तन से दूध कैसे बनता है। तो याद रखिएगा, समझिए ध्यान से, कि स्तन से आपसे क्वेश्चन कर भी सकता है कि छाती से स्तन से स्त्रियों के स्तन से दूध कैसे बनता है, तो आपको जवाब इतना देना है कि स्त्रियों की जो छाती होती है वो क्या होता है, गुच्छे टाइप की रचना की होती है, वही गुच्छे की जो रचनाएं होती है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन को उत्तेजित करती है, और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन दिमाग को संवेदना पहुंचाता है कि दूध बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट कर जाए, दूध बनना स्टार्ट हो जाता है। तब जब दूध बन जाता है तो ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, इस थैली के सारे निपिल तक दूध ला देता है, और जब दूध ला देता है तो बच्चे क्या करते हैं, जो मासूम जो छोटे बच्चे होते हैं वो दूध पी लेते हैं, जो उनके लिए अमृत का काम करता है। तो समझ में आ गया, दूध कैसे बनेगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करेगा, मतलब उत्तेजित करेगा, किसको, दूध बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट करेगा। जब दूध बन जाएगा तो उसको पहुंचाने का काम कौन करेगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है, जिसके कारण से दूध निपिल तक आती है, इसी के साथ निपिल तक आती है और बच्चा क्या करता है, दूध पी लेता है। तो याद देखिएगा, एक माँ का दूध क्या होता है, बच्चे के लिए अमृत के समान होते हैं, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया कि स्त्रियों के जो स्तन होते हैं उसमें दूध कैसे बनता है। और साथ में देखिए क्या होता है कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है स्त्रियों में बहुत ज्यादा होता है, और मैंने आपको यह भी बता दिया कि कुंवारी लड़कियों में भी क्या होता है, ये स्तन से पानी उनी आना स्टार्ट होता है। इसका रीजन क्या था, इसका 2 रीजन है कि उसका दाब उबकर मतलब बहुत ज्यादा दबाव सेक्सुअल रिलेशन क्या होता है आजकल बनी रहा है, बहुत सिंपल से एक कॉमन बात हो गया है, सेक्सुअल रिलेशन के दौरान स्तन को क्या करी जाते हैं, दाबी जाती है, उसको मिसी जाती है, इसके कारण से क्या होता है, उससे पानी उनी आना स्टार्ट होता है। इस तरह के छेड़खानी से बचनी चाहिए स्त्रियों को। और दूसरा क्या होता है, टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए, स्तन को पूरा टाइट से नहीं बांध कर रखनी चाहिए। कई लड़की अभी भी क्या करती है, ब्लाउज का यूज करते टाइट बांध कर रखती है, अरे बकलो लिया कहीं के समस्या तुम्हारे लिए खड़ा हो जाएगा, बाद में बच्चा जब पैदा होगा ना तो उसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन कम हो जाएगा तो दूध नहीं बनेगा, समस्या झेलना पड़ जाएगा। एक औरत के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात कब होती है, जब वो बच्चे को जन्म देती है, तो सबसे बड़ी खुशी की बात होती है। आप सोचो, जब दूध नहीं बनेगा तो तुम्हारा बच्चा कैसा जिएगा, बकरी का गाय का इसका कितना दिन दूध पियोगी। बच्चे के लिए अमृत का काम करता है दूध, कि माँ का दूध काम करता है, ठीक है ना। इसलिए टाइट कपड़े नहीं पहननी चाहिए, ज्यादा छेड़खानी भी नहीं करवानी चाहिए, आने तो उससे समस्या आपको आगे झेलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सारी बात आपको बेटर समझ में आ गई होगी कि कैसे छाती से क्या होता, लड़कियों के लड़की या स्त्री चाहे औरत के छाती से स्तन से दूध कैसे बनता है, ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।